राजद ने बिहार की उन्नति के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूला का नाम लालटेन दिया गया है। इसमें 10 ऐसे पहलू की बात की गई है जिस पर सही मायने में काम हो तो बिहार की सूरत बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज आरजेडी का लालटेन फॉर्मूला पर बात, साथ ही इस फॉर्मूला पर जदयू के तंज पर भी चर्चा। लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव लगातार इस कोशिश में हैं कि बिहार की जनता को ये मैसेज दे सके कि उनके माता पिता के मुख्यमंत्री रहते विकास को लेकर जो भी सवाल उनके विरोधी उठाते रहे हों, लेकिन अगर उन्हें बिहार की जनता मौका देगी तो वो बिहार में विकास के लिए काम करेंगे। तेजस्वी अगर सत्ता में आते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे, इसका रोड मैप लगातार वो जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पर किया शेयर, तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें बहुत ही अलग तरीके से न सिर्फ राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन का जिक्र किया है, बल्कि उन्होंने लालटेन के जरिए ही बिहार की जनता से 10 वादे भी किए हैं जो वो चुनाव जीतने के बाद बिहार के विकास के लिए करेंगे। तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए लालटेन के हवाले से जो 10 वादे किए हैं वो कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल से जुड़े हैं। फेसबुक पर किया शेयर, तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें बहुत ही अलग तरीके से न सिर्फ राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन का जिक्र किया है, बल्कि उन्होंने लालटेन के जरिए ही बिहार की जनता से 10 वादे भी किए हैं जो वो चुनाव जीतने के बाद बिहार के विकास के लिए करेंगे। तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए लालटेन के हवाले से जो 10 वादे किए हैं वो कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल से जुड़े हैं। जदयू का पलटवार, तेजस्वी यादव ने जिन सुधारों का जिक्र किया है उन्हीं बातों को लेकर नीतीश की सरकार दावा करती है कि बिहार में इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव के लालटेन के 10 सुधारों के वादे पर जदयू ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव के 10 वादों के आगे अपने तरफ से कटाक्ष करते हुए जो लिखा है वो भी बेहद दिलचस्प है। निखिल मंडल ने बताया कि जनता को सब पता है कि बिहार में जब उन्हें 15 साल का राज करने को मिला था तब इन लोगों ने क्या किया था। आज ये फिर से झूठा वादा कर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। निखिल ने इन 10 वादों की असलियत बताई है। यूं कसा तंज, निखिल के मुताबिक कृषि, कृषि योग्य जमीन लिखवाना, उद्योग, अपहरण, स्वास्थ्य, तेज प्रताप ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बिगाड़ा, शिक्षा 9वीं फेल, कंस्ट्रक्शन बिहार का सबसे बड़ा मॉल, तकनीकीकरण ट्विटर बॉय, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉल माल, जमीन जायदाद हथियाना, विद्युतीकरण 2020 में लालटेन चलाना, कानून ठेंगे पर, खेल जंगल राज बताया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।